हेलो व्हाट्स अप गाइस, कुणाल दिस साइड। टुडे वी आर शोकेसिंग वन ऑफ द लग्जरी विला इन द होल पुणे, जिसका कार्पेट एरिया इज द 9500 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया विद प्राइवेट दो गैराज मिलेंगे। इसके साथ साथ यू विल गेट द प्राइवेट स्विमिंग पूल एंड ह्यूज स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे हम एम्यूनिटी सेक्शन भी दिखाने वाले, विच इज प्राइवेट एम्यूनिटीज। 185 विलाज है यहाँ पे एंड सोसाइटी के नाम है यो विलाज, जो आज हम शूट करने वाले। स्टार्टिंग प्राइस इज जस्ट 20 crore फॉर दिस पर्टिकुलर विला, क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी का सबसे बड़ा विला है, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट एरिया वाला विला है। अभी हम पूरा सैंपल टूर करने वाले, इट्स एन जस्ट सैंपल टूर, बाकी अपन सब कुछ इंटीरियर वगैरह देखेंगे। बट हाँ, ये यूनिट जो स्पेसिफिक हम देखने वाले हैं, ये यूनिट आपको BHL मिलेगा। सो इट्स जस्ट एन सैम्पल अपार्टमेंट, बट हाँ, इसमें जो आउटर स्ट्रक्चर जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको मिलने वाला है। सो आपको यहाँ पे दो इंटरनल गैराज मिलने वाले हैं, वो शटर्ड गैराज मिलेंगे आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, इट्स एन शटर्ड गैराज, यहाँ पे दो कार आराम से बैठ सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको शटर्ड गैराज मिल जाता है, इट्स एन सेकेंड गैराज। और यहाँ पे आप, मुझे लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्स आप यहाँ पे इंटरनली रख सकते हो। एंड आउटर साइड पे भी आपको जगह मिल जाती है फॉर द कार पार्किंग। यहाँ पे फाउंटेन के लिए जगह है एंड वहाँ पे आपको सर्वेंट के लिए जगह मिलेगी। सो दिस इज द ऑल स्पेस यू आर गेटिंग। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ से बैकयार्ड जाने के लिए भी अलग से जगह है। दैट आई विल शो यू अगेन जब हम बैकयार्ड से दिखाएंगे। एंड वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि दिस इज एन कंस्ट्रक्ट बिल्ट विला जो यहाँ पे दिख रहा होगा। इट्स यहाँ का, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर गोइंग इनसाइड, आई रियली अप्रिशिएट द एक्सटेरियर। और ये एक्सटेरियर आपको सेम इन द प्राइस ऑफ द दैट यू आर गिविंग ऑल इंक्लूसिव प्राइस, इस प्राइस में आपको एक्सटेरियर मिलेगा जो एज इट इज ऐसे ही दिख रहा है। इंटीरियर आपको मिलने वाला है वो BHL मिलेगा। सो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। एंड एक्सटेरियर आई रियली लाइक, पूरे 185 विलास को, जिस कम्युनिटी का जो जो टाइप का विला है, उसको सबको सेम एलिवेशन एंड सेम एक्सटेरियर रहने वाला है। बिफोर गोइंग इनसाइड, यहाँ पे पूरा आपको सर्वन क्वार्टर मिलेगा। सो यू कैन सी द सर्वन क्वार्टर, ये टोटली सेपरेट है, जो आपके ड्राइवर्स है, जो आपके होम मेड है, सब कुछ सब लोग यहाँ पे ही स्टे करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग इनसाइड एंड होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इससे भी ज़्यादा बड़ा तो इंटरनल स्पेस है। आप जब देखोगे यू विल बी शॉक, एंड मैं भी वैसे ही शॉक हुआ था कि पुणे में भी ऐसे विलाज बनते हैं। आप कितना भी अपना स्पेस डिज़ाइन करो, लेकिन गेटेड कम्युनिटी में इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा विला मिलना, इट्स वेरी टफ टू फाइंड। सो दिस इज़ एन अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। अगर आप कोई भी लग्जरी विला पुणे लोकेशन में देख रहे हो, दिस इज फॉर यू, राइट? 20 crore प्लस टैक्सेस। एंड अभी हम इनसाइड जाने वाले हैं एंड इसके बाद मैं आपको एम्यूनिटी भी दिखाने वाला हूँ। सो वो भी देखेंगे, आज पूरा विला देखने वाले हैं। सो वीडियो एंटर करना, कम आई विल शो यू इनसाइड। सो दिस इज द मेन एंट्री एंड सेकंड गैराज से एंट्री रहने वाली है। सो दिस इज द एंट्री जो आपको मेन रहने वाली है। सो वेलकम टू द विला, लग्जरी विला जिसको बोलते हैं। दिस इज अ लग्जरी विला जो आज हम देखने वाले हैं। सो जैसे मैंने एंटर किया था, सबसे पहले मैं भी शॉक हो गया था, वैसे आप भी शॉक होने वाले हो, क्योंकि वेल डिज़ाइन एंड वेल परफेक्ट विला इफ़ यू कैन सी ना, तो ये यही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। रूम डायमेंशन हो या फिर किचन हो या फिर डाइनिंग हो या फिर प्राइवेट पूल के साथ एक ओपन एरिया हो, वो आपको यहीं पे मिलने वाला है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इससे अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हो। बट हाँ, अल्टीमेटली ये वैसे भी BHL ही यूनिट है, तो आपको यहाँ पे चांसेस है कि अपने हिसाब से यू कैन डिज़ाइन। बट इट्स एंड द विला जो एक ड्रीम प्लेस जिसको आप बोल सकते हो, दिस इज द विला। जैसे आप एंटर करते हो, यू विल गेट द मैसिव लॉबी स्पेस। इसका जो इंटीरियर है बहुत वार्म है एंड ये ब्लैक थीम पे बना हुआ विला है। एंड वी आर शूटिंग अनदर विला एज वेल, वो वाइट थीम पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वो वीडियो भी आने वाली है जल्दी से जल्दी। इट्स 5.5 BHK विला, 0.5 दैट मीन्स इज द TV रूम दैट यू कैन से, वो हम दिखाने वाले हैं। एंड एक्चुअल में आपको 5 बेडरूम मिलेंगे विथ प्राइवेट एलिवेटर, जो जस्ट आपके पीछे मिलेगा आपको यहाँ पे।
इट्स एन प्राइवेट एलिवेटर स्पेस जो आपको सीधा लेके जाएगा G+1। इट्स एन G+1 जो ग्राउंड दिख रहा है इसके ऊपर। देन आपको टेरेस नहीं मिलेगा, वी आर नॉट गिविंग एनी टेरेस, बट हाँ वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस जो अभी हम देखने वाले पूरे वीडियो में। सो इज एन लिफ्ट जो आपको मिलेगी, ये आपको ऊपर लेके जाएगी। इफ यू हैव एनी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड पीपल, तो आप उनको यहाँ पे यहाँ से आप उनको लेके जा सकते हो। इसके अलावा आपको स्टेयरकेस मिल जाती है एंड इट्स अगेन द ब्यूटीफुल इंटीरियर। मुझे पर्सनली इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। वार्म कलर हमेशा इंटीरियर को बहुत अच्छे से शोकेस करते हैं एंड इट्स एन ब्यूटीफुल। एंड आप यहाँ पे अगर देखोगे आप, आपके लेफ्ट साइड पे यू विल गेट द किचन, टीवी रूम एंड द एक्सेस टू द सर्वेंट जो सीधा किचन में आएंगे। एंड दिस साइड यू विल गेट द फैमिली रूम एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम मिलने वाला है। एंड इसके ऊपर यू विल गेट द 4 मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉकिंग क्लोजेस्ट एरिया। हम ऊपर भी जाने वाले हैं। आई एम डैम श्योर कि वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इससे ज़्यादा लग्जरी आपने नहीं देखा होगा। बैक टू द पॉइंट, जैसे ही आप अंदर आओगे, दिस इज योर फर्स्ट एरिया जहाँ पे आपको टीवी रूम का सेटअप एंड प्राइवेट फैमिली रूम यूकैन से आपको मिल जाएगा। इट्स एन लग्जरी, यहाँ पे ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 feet एंड अबाव होगी। सो दिस इज द स्पेस जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्राइवेट स्पेस के लिए। यू कैन बिल्ड ऑफिस स्पेस एज वेल। अगेन मैंने वापस से रिपीट करना चाहूँगा, इट्स एन बियरशेल यूनिट, तो आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। सो यहाँ से आपको सामने विंडो मिल जाती है, इट्स एन बिग साइज विंडो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सेस टू द अपना प्राइवेट पूल एंड बैकयार्ड। होपफुली मैं ये आपको पूरा ख़त्म होने के बाद एंड में दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक रुकना फॉर द बैकयार्ड व्यू। और बैकयार्ड व्यू आपको देगा पूरे सेंट्रल पार्क का व्यू जस्ट हमारे सामने जो है, तो वहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। सो कम इनसाइड, यू विल गेट द डाइनिंग एरिया विच इज़ अ मैसिव डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे भी अगेन आपको फुल साइज विंडो एंड बैक साइड पे बैकयार्ड एक्सेस मिलेगा। बैकयार्ड के लिए आपको पूरे ग्राउंड फ्लोर पे जो जो रूम्स है सबसे एक्सेस रहने वाला है, आप कहीं से भी वहाँ पे जा सकते हो। इट्स एम परफेक्ट फैमिली होम, परफेक्ट फैमिली लिविंग स्पेस जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस यूजेबल है, रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं एंड ऑब्वियसली डाइनिंग के साथ ही आपको मिल जाता है एक ब्यूटीफुल किचन। ये ब्लैक थीम में है तो मुझे अच्छा लगा, अगर आपको व्हाइट थीम में चाहिए यू कैन मेक इट। यहाँ पे आइलैंड मिल जाता है, तो आइलैंड मिलता नहीं यूजुअली, यू कैन मेक इट लाइक दिस। तो दिस टेम्पल टूर शोज यू कि आपको अपना घर कैसे बनाना चाहिए। सो दिस इज द स्पेस जैसे आप बना सकते हो इसको, जिसका एक्चुअली स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे पूरे कैबिनेट से, नीचे कैबिनेट से, ऊपर चिमनी, हॉब, सब कुछ यहाँ पे। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो है। वैसे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट होम मेकर्स रहेंगे, होम मेकर्स ही यूजुअली इस पे संभालेंगे, बट कुछ कुछ कुक, कुछ कुछ फैमिलीज लाइक अच्छा लगता है खाना बनाना, दैट वी कैन मेक इट हियर। सो दिस इज द स्पेस, ब्लैक थीम, आई लाइक इट, बट इफ यू वांटेड टू चेंज यू कैन चेंज इट लाइक अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पे आप पूरा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यहाँ पे आप डिश वॉशर एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक आप यहाँ पे लगा सकते हो। एंड अगेन यहाँ से आपको सर्वेंट के लिए एंट्री मिल जाती है विच इज होम मेकर्स, उनके यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे 3 रूम है जैसे मैंने पहले दिखाया था, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। किचन हो गया, डाइनिंग, इसके साथ साथ एक थिएटर रूम मिल जाता है वेयर यू कैन वेट फॉर द फूड, जो फूड आएगा आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। ये अपनी बैकयार्ड को एंट्री है, ये अपन शूट करने वाले हैं। बाय द टाइम पूरा वीडियो टूर खत्म कर लेते हैं फॉर द ग्राउंड फ्लोर, इसके बाद अपन ऊपर जाएंगे, इसके बाद अपन बैकयार्ड देखने वाले हैं। सो जैसे आप मतलब यहाँ पे बैकयार्ड में जाने के लिए यू विल गेट एक्सेस फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द विला। जैसे डाइनिंग में है यू कैन गो आउट, यू कैन, यू आर इनटू द दिस प्लेस, फैमिली रूम आप यहाँ से भी जा सकते हो एंड आई एम सो सॉरी, सो यहाँ से भी आप जा सकते हो। जैसे आप यहाँ से बाहर आओगे यू विल गेट द योर फर्स्ट बेडरूम विच इज़ एन गेस्ट बेडरूम जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कम आई विल शो यू, यहाँ पे आपको मिलेगा योर फर्स्ट बेडरूम। स्काई इज बहुत डिसेंट है एंड अगेन दिस इज अ बियरशेल यूनिट, सो आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो। वहाँ पे वॉकिंग क्लोजेस एरिया है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बैकयार्ड का व्यू एंड यहाँ पे गार्डनिंग ऑलरेडी की गई है। मैंने बोला था आप अपने हिसाब से इसको प्लान करो, ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल विला एंड अपना लाइफ लाइन, आप जो घर चाहते हो बनाना वो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ से बैकयार्ड का व्यू है, फुल साइज विंडो है और ये विंडोज ओपन हो जाती है almost like this. So this is the good thing in the villa, but
और अगेन यहाँ पे भी सेम विंडो मिलेगी, यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सो दिस इज द वॉशरूम स्पेस। गेस्ट फ्रेंड रूम में आपको इतना ही मिलेगा नीचे, आप इसको गेस्ट बनाओ या फिर ग्रैंड पेरेंट्स रूम बनाओ, इट्स अप टू यू। बट या दिस इज द फर्स्ट रूम जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा। इसके बाद जो चार बेडरूम रहने वाले हैं जिसकी साइज बहुत बड़ी है एंड जिसका वॉकिंग क्लोजेट एरिया सच में देखने जैसा है, वो ऊपर रहने वाला है। अभी हम ऊपर ही जाने वाले हैं, आई शो यू अराउंड। कम सो दिस इज अगेन कॉमन स्पेस फॉर द पाउडर रूम, यू कैन से। सो आफ्टर ऑल यू सीन दैट यहाँ पे आपको तीन मतलब फैमिली रूम, वहाँ पे आपको मिलेगा डाइनिंग एरिया, देन किचन एरिया, देन फर्स्ट बेडरूम, लिफ्ट एरिया एंड दिस इज समथिंग स्पेशल जो एक फैमिली स्पेस है, एक फैमिली रूम है। जो पुणे में हमने देखा था दो फैमिली रूम मिले थे, यहाँ पे आपको दो फैमिली रूम तो मिल ही रहे, इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल रहा है। इट्स एन ह्यूमंगस स्पेस। दिस इज द लिविंग एरिया जो आपको मिलेगा, यहाँ पे आप फॉर्मल लिविंग कर सकते हो, वहाँ पे एक फैमिली लिविंग कर सकते हो, जैसे आपको इंटीरियर करना है यू कैन मेक इट। जैसे कि अगर 20 करोड़ का अगर मैं विला परचेस कर रहा हूँ या फिर 15-20 करोड़, तो 2-4 करोड़ का इंटीरियर तो बनता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड, कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हो। दिस इज़ द ह्यूज स्पेस। इफ ओम वहाँ पे जाना एकदम कॉर्नर पे, सो इफ़ यू गो टू दैट स्पेस, तो आप वहाँ से इमेजिन कर सकते हो दिस इज़ द स्पेस। पता नहीं क्यों बट ये पियानो बजा के मेरा भी लेने का मन कर रहा है। इट्स सो पीसफुल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई काम प्लेस है और यहाँ पे अगर ये चीज़ है, आपको मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द कामनेस, फॉर द मेडिटेशन, फॉर द सेल्फ टाइम। आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। इट्स एन डबल हाइटेड सीलिंग जो आपको यहाँ पे मिल रही है, मुझे मेरा आई एम इमेजिनिंग लाइक माई सेल्फ। बट या इफ यू वॉन्टेड टू बाई विला लाइक दिस, दिस इज द अल्टीमेट प्रॉपर्टी फॉर यू, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इससे भी ज़्यादा प्यारा कुछ हो सकता है। क्योंकि एक घर के लिए मुझे लगता है 9,500 स्क्वायर फीट इज अ सफिशियंट स्पेस। इट्स एम 5-bedroom विला एंड यू विल गेट दिस backyard एज वेल। तो आप यहाँ पे भी टाइम मतलब इट्स एम परफेक्ट विला। आई डोंट नो बट हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू, बट इट्स एन डबल हाइटेड सीलिंग जो यू विल गेट हियर। एंड दिस इज द फैमिली सेक्शन, एल शेप में आपको यहाँ पे फैमिली सेक्शन मिल जाता है। बैकयार्ड के लिए आपको यहाँ से भी एंट्री है, जैसे मैंने बोला था कि ग्राउंड फ्लोर से आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। सो ये भी आपको एंट्री मिल जाती है फॉर द बैकयार्ड। कैन आई शो नाउ? नहीं, मैं आपको पूरा ऊपर का दिखा दूँ। देन विल गो टू द बैकयार्ड, देन विल गो टू द एमिनिटी सेक्शन। वीडियो एंड तक देखना एंड हाँ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इससे ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार और वीडियो बनाओ और ज़्यादा पावर दिखाओ वीडियोस में। सो विल गो टू द नेक्स्ट प्लेस। सो दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन बाय केली होपन एंड आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा 85 विलास का कम्युनिटी डिजाइन बाय हर एंड दिस इंटीरियर इज ऑल्सो डिजाइन बाय हर। एज यू मूव इन साइड, जैसे आप अपर डेक पे आते हो, यू विल गेट दिस 4-bedroom इन द अपर साइड एंड अगेन फैमिली रूम। यहाँ पे स्पेस इतनी है, यू कैन मेक अ मल्टीपल थिंग्स यार। यू कैन डू अ मिनी थिएटर इन साइड द विला एंड यू कैन डू वॉट एवर। वैसे भी कॉमन एमिनिटी तो आपको दिए गए, अगेन आप इंटीरियर में बहुत कुछ कर सकते हो। सो दिस इज द अपर एरिया जो आपको मिलेगा, यहाँ पे अगेन फैमिली रूम आप बना सकते हो एंड दिस डिज़ाइन इज वेरी एस्थेटिक एज यू आर सीइंग हियर। ये आपको यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मोस्टली मुझे बहुत स्टैटिक दिखा एंड बहुत काम प्लेस लगी मुझे जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अगेन 12 फीट की हाइट होने के कारण आपको पूरा जो विला है बहुत ज़्यादा लैविश लगता है। एज यू कम इनसाइड, दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम, दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम, क्योंकि फर्स्ट हमने नीचे देखा था। दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम, कम इनसाइड एंड अगेन यहाँ पे वॉकिंग क्लॉज एरिया, बुक स्टोर, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू मेक, यू कैन मेक हियर, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बिफोर एंट्रिंग गेस्ट स्पेस, हर एक विला हो या फिर आप कोई भी अपार्टमेंट परचेस कर रहे हो, दिस स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डायरेक्टली बेडरूम में एक्सेस नहीं कर रहे हो। आपको एंट्री लॉबी मिलने के कारण आपको अच्छा प्राइवेसी स्पेस मिल जाता है एंड दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। दिस इज द स्पेस जो आपको यूजेबल मिलेगा एंड ये आप देख सकते हो पूरा स्पेस कितना बड़ा है। अगेन यहाँ पे डेक मिल जाएगा विच इज़ ए बालकनी, वॉकिंग क्लोजेस एरिया मिल जाएगा। बिफोर गोइंग ऑन द वॉकिंग क्लोजेस एरिया, दिस इज योर बैकयार्ड, यहाँ से आप व्यू ले सकते हो पूरे एरिया का। ये पूरा यहाँ पे सेंट्रल गार्डन मिलने वाला है विच इज़ 2 किलोमीटर वॉकवे जो आप यहाँ से कर सकते हो। आई विल शो यू वंस,
दिस इज योर बालकनी, दिस इज योर फर्स्ट बालकनी फॉर द बेडरूम एंड नीचे आपको बैकयार्ड मिलने वाला है। सो यहाँ से आप स्विमिंग पूल देख सकते हो। हाँ, नीचे जाना बाकी है हमारा, जाएंगे अभी थोड़ी देर में ख़त्म करके। सो दिस इज़ द सेंट्रल एरिया जहाँ से आप वॉक करके जा सकते हो। देन वो जो है, दिस इज़ द क्लब हाउस, दिस इज़ द ह्यूमंगस स्पेस जो वहाँ पे मिल रहा है आपको क्लब हाउस के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंडोर एमिनिटीज़ हो गए, जिम, मेडिटेशन एरिया, और यू कैन से कॉन्फ्रेंस रूम, कॉमन स्विमिंग पूल, प्राइवेट पूल तो आपको यहाँ पे, कॉमन स्विमिंग पूल वहाँ पे मिलेगा। तो वो अपना क्लब हाउस है, इसके बीच में सेंट्रल पार्क एरिया, दिस इज द विला जो हमें मिलने वाला है। दिस इज बालकनी फॉर द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज मास्टर बेडरूम, दैट्स व्हाई यू विल गेट द बालकनी। अनदर बेडरूम हैव आल्सो बालकनी, माइट बी वी हैव टू लुक फॉर दैट। सो वी आई जस्ट क्लोज दिस। ओके, सो ये अपना मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉकिंग क्लोजेट एरिया मिल जाता है। आई लाइक दिस वाइट थीम जो यहाँ पे है, मुझे हर एक वॉशरूम में सबसे अच्छा लगता है। यू विल गेट द बाथटब एज वेल हियर, आपको अटैच बाथटब मिलने वाला है मास्टर बेडरूम के साथ। एंड दिस इज योर स्पेस, एंड हर एक अपार्टमेंट में, हर एक बेडरूम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉशरूम, मेरे लिए तो है, एंड मुझे लगता है हर एक प्रीमियम बायर के लिए रहेगा। दिस इज द स्पेस, एंड अगेन ये वॉकिंग क्लोजेट एरिया सेपरेट है। इसके साथ साथ जो मास्टर बेडरूम है, अगेन आप यहाँ पे अपना प्राइवेट सिटिंग कर सकते हो। दिस इज अगेन द स्पेस दैट यू कैन यूटिलाइज, और एल्स आप यहाँ पे बेड शिफ्ट करके दिस इज द स्पेस यू कैन यूज, एंड वही जगह आप फ्रंट पे भी लगा सकते हो। सो अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, ये अपना हो जाता है सेकेंड बेडरूम। अभी हम वो तीन बेडरूम देखेंगे जो हमारे बोथ साइड पे, दैट मीन्स इट कम्स टू द फाइव बेडरूम अपार्टमेंट। कम, सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द विला, एंड ये हमारा हो जाएगा थर्ड बेडरूम। यहाँ पे आप जैसे एंटर करोगे विल गेट दिस थर्ड बेडरूम। साइज सबकी सेम डिसेंट है, या वहाँ पे पीछे आपको अगेन स्पेस दी है, ये आपकी हो जाती है सेकेंड बालकनी। तो दिस इज योर सेकेंड बालकनी जो आपको मिल जाती है थर्ड बेडरूम के साथ। इट्स एन ग्रैंड बालकनी जो आपको फेसिंग करेगी फ्रंट का फेस, जो आपको व्यू मिलेगा, फ्रंट का व्यू मिलेगा यहाँ से। यू कैन जस्ट शो अराउंड होम। सो दिस इज़ द फ्रंट स्पेस, गार्डनिंग ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे, इट्स एंड रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। तो इफ़ यू वॉन्टेड टू परचेज दिस विला, तो इफ़ यू कैन परचेज इमीजिएटली, एंड आप यहाँ पे इमीजिएटली मूव इन भी हो सकते हो। एंड इफ़ यू आर कमिंग इनसाइड, आपको अगेन यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट एरिया मिल जाता है, एंड अगेन यहाँ पे एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, प्राइवेट डेक मिल जाता है। यू कैन डू, अगर आपको अपने हिसाब से करना है, आप यहाँ पे फ्रंट पे लगाओ इसको पूरा पीछे, जैसे उन्होंने उस बेडरूम में बोला था। एंड अगेन ये आपको वॉकिंग क्लोजेट एरिया हो जाता है, ये ब्लैक थीम में है, एंड इसका भी स्पेस आपको, ये जो ऊपर वाले जो चार बेडरूम है, इन सबको अलग से वॉकिंग क्लोजेट एरिया अलग से सेपरेट मिलेगा। तो आप देख सकते हो स्पेस क्वाइट गुड, बहुत स्पेशियस है। एंड दिस इज योर वॉशरूम, अगेन यहाँ पे भी आपको बाथटब मिल जाएगा फॉर द बेडरूम, राइट। सो स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया है, हर एक बेडरूम में आपको यहाँ पे वुडन टाइलिंग बिठाई गई है, आप अपने हिसाब से यू कैन डिजाइन, क्योंकि ये अल्टीमेटली बीआरसीएल यूनिट वी आर ऑफरिंग। यहाँ पे आपको दो बेडरूम मिलने वाले हैं, हमने अभी ग्राउंड फ्लोर पे एक देखा, एक मास्टर बेडरूम देखा और एक बेडरूम देखा, इट्स एंड थर्ड, थ्री बेडरूम कंप्लीट हो चुके हैं। देन यहाँ पे हमारे दो बेडरूम है। सो अगेन साइज सबके ऑलमोस्ट सेम है, ये दो बेडरूम आप चिल्ड्रन बेडरूम के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज द स्पेस, वो दो बेडरूम जो है वो मास्टर बेडरूम थे। यहाँ पे अगेन आपको डेक मिल जाएगा, डेक से आपको बैकयार्ड का व्यू मिलेगा एंड एमिनिटी सेक्शन का व्यू मिलेगा। एंड दिस इज द स्पेस, इसके साथ साथ आपको वॉकिंग क्लोजेट एरिया भी अलग से मिल जाता है। तो दिस इज द वॉकिंग क्लोजेट एरिया, एंड यहाँ पे आपको बाथरूम मिलेगा, यू कैन यूज एज अ चिल्ड्रंस बेडरूम स्पेस हियर, एंड वो दो बेडरूम है उसको आप मास्टर बेडरूम की तरह यूज कर सकते हो। और वॉकिंग क्लोजेट एरिया आपको हर एक बेडरूम में मिल जाता है, विच इज अ प्राइवेट वॉकिंग क्लोजेट एरिया। एंड बैक टू द पॉइंट, दिस इज योर लास्ट बेडरूम जो मैं दिखाने वाला हूँ। एंड वेंटिलेशन के लिए आपको हर एक जगह पे फुल साइज विंडो मिल जाती है फॉर द होल विला। एंड ये सब कुछ एलिवेशन का पार्ट है, जैसे मैंने नीचे बोला था, या दिस प्रोजेक्ट गिव्स यू द आउटर एलिवेशन एंड आउटर स्ट्रक्चर फ्रॉम देम, एंड इंटीरियर एंड जो अंडर की चीज़ है ये सब कुछ आपने खुद ने बनानी है। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम दैट आई एम शोइंग, इसके बाद हम बैकयार्ड में जाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम और ज़्यादा वीडियो के साथ आने वाले हैं। तो लग्जरी विला, लग्जरी अपार्टमेंट इन द होल टाउन, एज वेल एज जितना पॉसिबल हो सके मैं बाहर जाके भी शूट करने का ट्राई करूँगा। एंड दिस इज़ द लास्ट बेडरूम, एज यू कैन यूज सेम रेप्लिका है उस अपार्ट बेडरूम की जो हमने साइड में देखा था। इट्स अ वॉकिंग क्लोजेट एरिया, एंड अगेन आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है। इट्स सेम लाइक दिस यू आर गेटिंग,
एंड यहाँ पे भी आपको अटैच बालकनी मिल जाएगी विच फेसिंग टू द बैकयार्ड। यहाँ से पूरा बैकयार्ड का व्यू मिलेगा आपको विथ प्राइवेट पूल एंड प्राइवेट स्पेस ऑफ योर्स एंड क्लब हाउस एंड एमिनिटीज। सो बैक टू द पॉइंट, अभी हम बैकयार्ड देखते हैं पूरा, इसके बाद हम एमिनिटी सेक्शन में जाएंगे। आपको पूरा टूर देता हूँ एमिनिटी सेक्शन का, सो वीडियो एंड तक देखना। थैंक यू। नाउ वेट इज एंड, अभी हम जाने वाले बैकयार्ड में। आई विल शो यू। वाओ मैन, दिस स्पेस इज लाइक कि यहाँ पे वर्कआउट हो जाएगा अगर मैं और ज़्यादा घूमूंगा ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। तो दिस इज द बैकयार्ड स्पेस जिसके लिए हमने इतना वेट किया था। यहाँ पे मैं क्रिकेट पिच छोटा सा बना सकता हूँ। बाय द वे इट्स अ जोक्स पार्ट, बट आपको बैकयार्ड में आने के लिए यहाँ से भी एक एंट्री है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली टू द गेट। आप यहाँ से जैसे आपने पार्क किया और अगर आपको बैकयार्ड में आना है, कोई मीटिंग या फिर कुछ भी है, यू कैन कम फ्रॉम द दैट स्पेस डायरेक्टली। इट्स योर प्राइवेट स्पेस, यहाँ पे आप गार्डन बना सकते हो। सो दिस इज द स्पेस जहाँ पे आपको प्राइवेट पूल मिल जाता है एंड अगेन यहाँ पे सिटिंग मिल जाती है। यू विल सिट हियर, यू कैन हैंग आउट हियर। दिस इज द स्पेस जहाँ पे आप पूरा सिट आउट कर सकते हो। आपको कोई फैमिली फंक्शन है, आपको कोई गेट टुगेदर है, यू कैन स्पेंड योर टाइम हियर। एंड दिस इज योर प्राइवेट पूल जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड प्राइवेट पूल में शायद से कुछ गेस्ट नहा रहे हैं यहाँ पे। सो जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पे गार्डनिंग बहुत प्यारी की गई है। यहाँ पे मुझे पूरा विला का यहाँ पे व्यू मिल जाता है एंड साथ में साथ ही आप मुझे यहाँ पे ग्रीन व्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे पूरा सेंट्रल गार्डन है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे भी जाने वाला है। एंड दिस इज़ द प्लेस जो बैकयार्ड है, एंड मुझे लगता है ये क्वाइट स्पेशियस। यू कैन शो फ्रॉम दैट साइड होम, आप वहाँ पे खड़े रहिए, मैं यहाँ पे आता हूँ। सो दिस इज़ द स्पेस, यू कैन जस्ट इमेजिन कि ऑलमोस्ट 14,000 मतलब ऑलमोस्ट 14 गुंटा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसमें ये विला बना हुआ है एंड इट कॉस्ट अराउंड 20 CR प्लस टैक्सेस फॉर दैट पर्टिकुलर कार्पेट एरिया। वी हैव सम स्मॉल कार्पेट एरिया एज वेल जो मैं शूट में अगले दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना, अभी हम एमिनिटीज में जाने वाले हैं। सो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, बेसिकली दिस ये पर्टिकुलर विला के लिए ऑलरेडी डील्स चल रहे हैं, तो इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड आप मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इन्वेंट्री आने वाली है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। एंड दिस इज़ द विला, दिस इज़ द प्लेस जो एक ड्रीम लाइफ और ड्रीम होम यू कैन कंसिडर कि ये मेरा एक फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है इन पुणे लोकेशन। सो दिस इज़ द प्लेस जो आपको बाकी किसी भी एरिया में किसी भी प्लेस में नहीं मिलेगी, विद 7 कार पार्क, 2 गराज इन योर होम एंड प्राइवेट पूल, प्राइवेट स्पेस एंड 5 बेडरूम विला। इसके साथ साथ जो एमिनिटी वी आर शोकेसिंग राइट नाउ, वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दिस इज़ योर कॉमन क्लब हाउस जो आपको आपके विला कम्युनिटी में मिलने वाला है। इतना कॉमन क्लब हाउस जिसमें आपको जिम, स्विमिंग पूल, कॉमन स्विमिंग पूल, मेडिटेशन रूम, सब कुछ आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा क्लब हाउस है पूरे एरिया का। सो अभी अपन वही क्लब हाउस देखने वाले हैं, इसके बाद अपन सेंट्रल एमिनिटी सेंट्रल गार्डन में जाने वाले हैं। बिफोर गोइंग दैट गार्डन प्लेस, अभी हम जाते हैं पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्लब हाउस को एंड आई विल शो यू कि आपको यहाँ पे 20 करोड़ के वैल्यूएशन में क्या वैल्यू मिलती है इन क्लब हाउस में। जस्ट कम अराउंड। जैसे आप अंदर आते हो आपको यहाँ पे ट्रिपल हाइटेड लॉबी मिलेगी। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए और एक एरिया है, यहाँ पे ऊपर एमिनिटी सेक्शन है, अपन वो भी जाने वाले हैं। बिफोर गोइंग ऑन अपर साइड आई विल शो यू अराउंड फॉर द लोअर एमिनिटी जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलने वाले हैं। कम सो फैमिलीज कम हो, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है फॉर द मीटिंग। इफ़ यू हैव एनी मीटिंग स्पेस, आपको कोई बड़ा मीटिंग लेना है, आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। एंड जैसे आप आ गया तो यू विल गेट दिस मैसिव स्पेस। यहाँ पे कॉमन एरिया मिलेगा, यहाँ पे आप कॉमन स्विमिंग पूल मिल सकता है। यहाँ पे इसकी साइज ऑब्वियसली बहुत बड़ी है रादर देन अपना जो प्राइवेट पूल है। यहाँ पे आपको इंडोर गेमिंग जोन है, यहाँ पे आप इंडोर गेमिंग जोन फॉर द चिल्ड्रंस, यू कैन प्ले एनी काइंड ऑफ गेम्स ओवर हियर एंड स्नूकर टेबल्स हो एंड वो सब कुछ आपको अपर साइड पे मिलने वाला है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। बट यू कैन जस्ट फील दिस स्पेस मैन, पूरे पुणे में इतने सारे प्रॉपर्टी शूट किए हैं बट आई डोंट फील कि ऐसा स्पेस कहीं पे आप मुझे दिखा है। इट्स अ ह्यूज ह्यूमंगस स्पेस, बहुत ज़्यादा लग्जरी विलास के बीच में आपको ये स्पेस मिल जाता है। एंड पुणे में ऐसा स्पेस मिलना इट्स वेरी टफ, क्योंकि लोकेशन आता है वैसे भी खराड़ी एनेक्स, बट स्टिल यू विल गेट दिस स्पेस। देन अगेन आपको यहाँ पे शॉवर रूम, चेंजिंग रूम रहेगा फॉर द स्विमिंग पूल। एंड जैसे आप आ गए तो यहाँ पे आपको योगा रूम मिलेगा, जिम मिलने वाला है, जिम इज़ ऑलरेडी फुल्ली इक्विप्ड और ये आपको सब कुछ
गेटेड कम्युनिटी में विला क्यों लेना है। प्राइवेट विला हम ले सकते हैं, गेटेड कम्युनिटी में विला लेने का बस एक ही कारण है कि आपको ये सब कुछ एमिनिटीज यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है। एंड हाँ, गेटेड कम्युनिटी दैट मीन्स ह्यूज लैंड पार्सल, इट ऑलमोस्ट 89 एकर्स लैंड पार्सल में 185 विलाज है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है, कोई बाहर का लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, सिर्फ विला क्लाइंट को ही यहाँ पे एंट्री है। एज यू मूव इनसाइड यहाँ पे आपको योगा एरिया मिलेगा, दिस इज एन योगा स्पेस, आप यहाँ पे योगा कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्टेड टू गो, यहाँ से आपको जिम के लिए एक्सेस है। दिस इज द जिम एरिया, इट्स फुल्ली इक्विप एंड ऑलरेडी फंक्शनल, राइट। तो दिस इज द स्पेस जहाँ पे आप, और जिम का स्पेस भी बहुत यूज है, ह्यूमंगस स्पेस है, एकदम एंड तक आपको जिम मिलेगी। एंड इसके अपोजिट साइड पे स्विमिंग पूल, एंड इसके अपोजिट साइड पे आपको मिलने वाला है सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल पार्क यू कैन से फॉर द 2 किलोमीटर वॉकवे। और वहाँ पे सच में बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। बिफोर गोइंग दैट, आई नो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका सच में बजट 20 CR, 25 CR, 15 to 20 CR के बीच में, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर द अपार्टमेंट पर्पज, या फिर पेंट हाउस ड्यूप्लेक्स मिल जाते हैं, बट दिस काइंड ऑफ लिविंग यू विल नॉट गेट इन द पेंट हाउस। सो कम, आई विल शो यू द कॉमन स्पेसेस एज वेल। जैसे आप अंदर आओगे आपको यहाँ पे वॉकिंग एरिया मिलेगा, आराम से आना। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पंचिल, मतलब मैंने जब यू पुणे शूट किया था ना, उस टाइम पे भी सेम थीम थी, वहाँ पे गार्डनिंग था, सेम वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ प्लांटेड ट्रीज थे, रेडी पोजिशन था। दिस इज अगेन द रेडी पोजिशन यूनिट, एंड यहाँ पे भी आपको सारे प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सेटअप करके रखा है। जब भी आप रहने के लिए आओगे, यू विल गेट एवरीथिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये एक्चुअल टूर है फॉर द प्लेस। ये पूरा 2 किलोमीटर का वॉकवे है जो आपको मिलेगा अपने पूरे विला कम्युनिटी में। आप यहाँ पे वॉक करने के लिए आ सकते हो, मेडिटेशन के लिए आ सकते हो। दिस इज़ योर स्पेस, दिस योर प्राइवेट स्पेस, यहाँ पे कोई बाहर का नहीं आ सकता। कम, यहाँ पे नीचे फाउंटेन्स है, यहाँ पे पूरा स्ट्रीम बनाया है इन लोगों ने, इट्स एन क्लीन वाटर स्ट्रीम जो यहाँ पे है, और शायद इसमें छोटे छोटे फिश भी है। ओके, सो दिस इज़ द होल सीन जो आपको यहाँ से मिलेगा। ये पूरा सेंट्रल जो इन्होंने पार्क बनाया है, दिस इज़ द 2 किलोमीटर वॉकवे दैट आई ऑलरेडी मेंशन। तो इट स्टार्ट फ्रॉम दिस टू एंड फॉर लाइक जो एंड तक जो विला 89 एकर्स में, वहाँ तक वो पूरा स्ट्रीम जाता है। सो यहाँ पे आपको वॉक करने के लिए इट्स द बेस्ट प्लेस। सो जैसे यो पुणे में था वैसे ही, बट यो पुणे का थोड़ा छोटा है, और वहाँ पे वहाँ से यहाँ पे बहुत बड़ा मिलेगा। और हमने जो विला शूट किया तो यहीं पे है। सो यहाँ पे सिटिंग प्लेस है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो शांति से, फ़ोन भी इन सब रूम में छोड़ के, घर में छोड़ के, सब सोशल मीडिया हटा के आप यू कैन सिट हियर। सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू कैन सिट डू अ मेडिटेशन। स्ट्रीम सबसे अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, कि इन्होंने इंटीग्रेटेड स्ट्रीम बनाई है, और ये बनाई गई है, इट्स नॉट नेचुरल माइट बी। चलो दुबई में तो साला पूरा समंदर लेके आते हैं, यहाँ पे तो स्ट्रीम लाई इट्स ओके, बट दुबई में तो मैंने समंदर अंदर लाते हुए देखा है, सो इट्स फेयर इनफ। यहाँ पे बैम्बू ट्रीज है, सम बादाम ट्रीज है, सो मल्टीपल ट्रीज यहाँ पे प्लांट किए हुए हैं। वाओ मैन, दिस इज अट्रैक्टिंग मोर। 20 करोड़ में और क्या चाहिए, दिस इज द स्पेस। वाओ मैन, दिस इज नेचुरल माइट बी, फ्लोटिंग फ्रॉम हियर। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। कहाँ पे वैकेशन के जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अगर आपको ऐसे स्पेस मिलता है और ऐसे लोकेशन में,
तो मुझे नहीं लगता कहीं पे वैकेशन के लिए निकलना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पे काम जॉब से आया हो या फिर कहीं पे भी बिजनेस सॉरी मैं कहीं से भी आया हूँ तो मुझे अगर यहाँ पे आने के लिए मौका मिल रहा है तो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ एनीबॉडी। वाह कैसे वाटते हैं अगर मुझे इंटरनल एरिया ऐसे मिलता है तो मुझे नहीं लगता मुझे कहीं पे वैकेशन पे जल्दी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नेचुरल है और ये साउंड इतना ज़्यादा अच्छा है कि इट्स लाइक कि मुझे जो पीस चाहिए होगा जो शांति चाहिए होगी मुझे बट ऑब्वियसली यहाँ पे मिलेगी। ऑलरेडी ये शांत प्लेस है बट अगर आपको नेचुरल साउंड चाहिए आपको नेचुरल कुछ सुनना है सो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे आपको बर्ड्स का साउंड हो या फिर ये स्ट्रीम का साउंड हो ये बहुत अच्छे से क्लियर साउंड आ रहा है। सो दिस इज़ द वीडियो एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको नेचुरल स्ट्रीम्स मिल रहे हैं, नेचुरल सेंट्रल पार्क मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लब हाउस मिल रहा है फॉर द 185 फैमिली, इतना बड़ा क्लब हाउस मिल रहा है आपको एंड कस्टम बिल्ड विला मिल रहा है जहाँ पे आपको छोटा साइज भी है। वी हैव 5.5 BHK, 4.5 BHK, वी हैव मल्टीपल इन्वेंट्रीज करेंटली बट हाँ जो विला अभी मैंने शूट किया इसके लिए ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। तो अगर आपको क्विक इंक्वायरी है, क्विक आप जानना चाहते हो इस अपार्टमेंट के बारे में, इस विला के बारे में, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको कोई भी लग्जरी विला है, कोई भी लग्जरी अपार्टमेंट आप अगर देखना चाहते हो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड कंटिन्यू वॉच करने के लिए, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।